हेलो डियर किड्स, इन आर लास्ट वीडियो वी कम्प्लीटेड अवर चैप्टर 2। हमारे लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 को कम्प्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, जिसमें है कंपैरिजन ऑफ नंबर। एलकेजी क्लास में भी ग्रेटर बिगर नंबर या स्मॉलर छोटा नंबर आपने पढ़ा था, वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि दो नंबर को हम कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ नंबर, नंबर्स को कंपेयर करना, मतलब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा, बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, या नंबर बराबर है तो इक्वल। कंपेरिजन ऑफ नंबर के लिए हम 3 सिंबल्स यूज करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये 3 सिंबल्स होते हैं जो हम कंपेरिजन ऑफ नंबर में यूज़ करते हैं, नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, जब कोई छोटा नंबर इधर होता है तो हम लेस देन का साइन लगाते हैं। इसे हम ऐसे पढ़ते हैं, 1 is less than 4। कैसे पढ़ते हैं, 1 is less than 4। 1 4 से छोटा होता है, आप सभी जानते हैं कि 1 4 से छोटा होता है। अब देखिए, 5 और 2, 5 और 2 में से 5 2 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है ना, तो 5 is greater than 2। ये जो सिंबल है ये होता है ग्रेटर देन का, 5 is greater than 2। 6 और 6, जब 6 6 ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये क्या हुए, इक्वल हुए, बराबर हुए, है ना। जब नंबर्स एक जैसा नंबर सामने सामने होंगे तो हम किसका साइन लगाएंगे, इक्वल टू का। किसका साइन लगाएंगे, इक्वल टू का। फिर से देखिए, कंपेरिजन ऑफ नंबर में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। अगर कोई नंबर छोटा है तो लेस देन, बड़ा है तो ग्रेटर देन, और दोनों नंबर्स बराबर हैं तो हम यूज़ करेंगे इक्वल टू का सिंबल। जैसे यहाँ 1 is less than 4, 5 is greater than 2, 6 is equal to 6। ऐसे ही जब हम बुक में एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा सिंबल कब लगाना है। इन जनरल अगर आप सिंबल याद नहीं रख सकें तो ये याद रखना कि जो क्लोज फेस है वो हमेशा छोटे नंबर की तरफ आता है, और जो ओपन फेस है वो हमेशा बड़े नंबर की तरफ आता है। जो क्लोज फेस, अगर छोटा नंबर अगर आगे है तो हम क्लोज फेस इधर रखेंगे, यानी कि ये लेस देन का सिंबल है। ठीक है, छोटा नंबर अगर इधर है तो क्लोज फेस इधर आएगा, और ये जो सिंबल होगा वो ग्रेटर देन का होगा। आप सिंबल्स को हमेशा याद रखना। जो बड़े बच्चे हैं या कुछ भी, बहुत से लोग आज भी इन सिंबल्स में कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली ग्रेटर देन और लेस देन वाले सिंबल्स में, इन दो सिंबल्स में। आप अच्छे से इन सिंबल्स को याद करिए, लेस देन का ये सिंबल है, ग्रेटर देन का ये सिंबल है। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, अच्छे से सिंबल्स याद कीजिए। दिस इज़ अवर चैप्टर 3, कंपेरिजन ऑफ नंबर। जैसे कि मैंने अभी आपको बोर्ड पर बताया, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू सिंबल्स बताए थे। मैंने ये भी बताया था कि ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल क्या होता है। अब यहाँ हम उन्हीं को कुछ पिक्चर्स की हेल्प से समझेंगे। एज मैनी एज, यानी कि इक्वल, जितने इधर हैं उतने ही ऑब्जेक्ट्स इधर भी हैं। देखिए, इन्होंने यहाँ पे इन्हें 1 to 1 मैच भी किया है ना। इधर देखिए, यह 1 to 1 मैच किया है, यानी कि जितने 1 2 3 4 बेड्स अगर इधर हैं तो 1 2 3 4 शीटर्स इधर भी हैं, 1 2 3 कप्स अगर इधर हैं तो 1 2 3 प्लेट्स इधर भी हैं। ओके, सी द नेक्स्ट पेज, सी हियर, मैच द ऑब्जेक्ट 1 to 1। अभी मैंने आपको बताया कि 1 to 1 का मतलब क्या होता है, एक से एक को मैच करना। देखिए, एक एक शर्ट्स को एक एक पैंट से इन्होंने मैच किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें शुगर कैन दिया है, उसे हमें एलिफेंट से मैच करना है, 1 to 1। ठीक है, देन हियर गैस स्टोव्स आर हियर एंड सिलेंडर आर हियर, यहाँ पे सिलेंडर्स हैं, यहाँ पे गैस स्टोव है, इन्हें आपको 1 to 1 मैच करना है। कनेक्ट कीजिए, 1 2 3। जब हम 1 to 1 मैच करते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रिमेन नहीं रहता, ब्रश एंड कलर प्लेट मैच करते जाइए मेरे साथ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है ये, है ना, सिर्फ लाइन से स्केच करना है और मिलाना है, उन्हें मैच करना है। ठीक है, देन बैट एंड बॉल, योर फेवरेट गेम,
ओवर, टर्न द पेज. नाउ सी, वन मोर देन, मोर मतलब ज़्यादा, मोर मतलब क्या होता है, ज़्यादा. वन मोर देन, एक ज़्यादा. मैच द ऑब्जेक्ट बिटवीन टू कलेक्शंस, ये दो कलेक्शंस हैं, इनमें हमने ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है. कैसे मैच करना है, वन टू वन, एक से एक को. एंड सर्कल द कलेक्शन दैट हैज़ वन मोर ऑब्जेक्ट देन द अदर, और उस कलेक्शन को हमें एनसर्कल करना है, गोला करना है, जिसमें एक ज़्यादा हो, यानी कि जिसमें एक चीज़ बच जाए. जब हम वन टू वन मैच करेंगे, देखिए यहाँ पे लॉक को कीज से मैच किया है इन्होंने, ठीक है, वन टू वन मैच किया. अब यहाँ पे एक की बच गई, बच गई मतलब एक की यहाँ पे एक्स्ट्रा थी, ज़्यादा थी, या हम कहेंगे मोर थी, वन मोर थी, इसलिए यहाँ पे एक की बच गई है. अब ये जो प्लेट्स दी हैं, इन्हें हम कप से मैच करेंगे. मैच इट, एक से एक को ही मैच करना है. वन टू थ्री. अब देखिए, थ्री प्लेट से थ्री कप मैच हो गए. ये यहाँ पे एक कप बच गया है, मोर है, ज़्यादा है एक कप यहाँ पे. तो ये वाला जो कलेक्शन है, इसमें थिंग्स ज़्यादा है, इसलिए हम इस कलेक्शन को एनसर्कल करेंगे. क्या करेंगे, एनसर्कल यानी कि गोला बनाएंगे. नाउ सी द नेक्स्ट वन, नोटबुक एंड पेंसिल. मैच द नोटबुक विद द पेंसिल्स. वन नोटबुक, अनदर नोटबुक, हियर इज अनदर, देन वन मोर. अब यहाँ पे पेंसिल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नोटबुक एक्स्ट्रा है. तो जब एक्स्ट्रा नोटबुक है, यानी कि ज़्यादा है, मोर है, तो हम इस कलेक्शन को एनसर्कल करेंगे. नाउ सी, चेयर एंड टेबल. मैच वन चेयर विद वन टेबल, अनदर चेयर विद अनदर टेबल. नाउ सी, वन चेयर इज रिमेनिंग, मोर हियर, सो वी विल एनसर्कल द कलेक्शन ऑफ द चेयर, क्योंकि चेयर टेबल से एक ज़्यादा है, वन मोर है. अंडरस्टैंड, मोर और लेस. अभी हमने देखा था मोर मतलब ज़्यादा होता है, और लेस मतलब क्या होता है, कम. मोर मतलब होता है ज़्यादा, लेस मतलब कम. विशाल हैज़ टू बाउल्स ऑफ मार्बल्स. विशाल के पास दो बाउल्स थे मार्बल्स के, बाउल ए एंड बाउल बी. एंड बी, कैन यू गैस विच बाउल हैज़ मोर और लेस मार्बल्स. बाउल ए हैज़ मोर मार्बल्स देन बाउल बी. ए वाले बाउल में हमें दिख रहे हैं ना कि ज़्यादा है, मोर है, और बी वाले में लेस है, कम है. हैज़ लेस मार्बल्स देन बाउल ए. यस, यू आर राइट. हमें यहाँ दिख रहा है कि बाउल ए में मार्बल्स ज़्यादा हैं, मोर हैं, मोर मतलब ज़्यादा, और बाउल बी में मार्बल्स कम हैं, लेस हैं, लेस मतलब कम. ठीक है, मोर मतलब ज़्यादा, लेस मतलब कम. ये होता है कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करना. सी, ट्री ए हैज़ लेस लीचीज, ट्री बी हैज़ मोर लीचीज. ये लीची ट्रीज हैं दो. अब आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि ए वाले ट्री में कम है, यानी कि लेस लीचीज हैं, लेस हैं, और बी वाली ट्री में ज़्यादा लीचीज दिख रही हैं, ज़्यादा फ्रूट्स दिख रहे हैं, तो इसमें ये फ्रूट्स मोर हैं. लेस एंड मोर, मोर एंड लेस, कम और ज़्यादा. मोर का मतलब होता है ज़्यादा, और कम का मतलब होता है लेस. ठीक है, सो हियर इज़ अ पेज नंबर 82. टिक द ग्रुप हैविंग लेस एंड क्रॉस द ग्रुप हैविंग मोर. ये होता है सिंबल टिक का, और ये होता है सिंबल क्रॉस का. जो राइट का निशान होता है, हम उसे टिक कहते हैं, और जो रॉन्ग का निशान होता है, हम उसे क्रॉस कहते हैं. ठीक है, टिक एंड क्रॉस. देखिए क्या बोल रहा है वो, कि टिक करना है, किसे टिक करना है, लेस को, जो कम है उसे टिक करना है, और क्रॉस करना है मोर को, जो ज़्यादा है उसे हमें क्रॉस करना है. लेस को, कम को टिक करना है, ज़्यादा यानी कि मोर को क्रॉस करना है. देखिए यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव चिल्ड्रन है, इन्हें हम, ये ज़्यादा है, वन टू थ्री, यहाँ पे थ्री चिल्ड्रन है, यहाँ पे फाइव चिल्ड्रन है, दिख ही रहा है वो हमको, है ना. मोर और लेस आप देख के ही पहचान लेंगे ऑब्जेक्ट्स में कि क्या, कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है, क्योंकि हमें ज़्यादा को क्रॉस करना था तो इन्होंने यहाँ पे इसे क्रॉस किया है, और कम को टिक करना था तो यहाँ पे इन कम को
टिक किया है, ठीक है। नाउ सी हियर, हाउ मेनी बुक्स आर देयर, कॉपीज आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कॉपीज हैं। यहाँ पे कितनी कॉपीज हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब बताइए 6 नंबर बड़ा होता है या 5 नंबर बड़ा होता है, कौन सा बड़ा नंबर होता है, 6। तो यहाँ पे 6 मोर है, ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम इसे क्रॉस करेंगे, और 5 ये क्योंकि छोटा नंबर है, कम होता है, इसलिए हम इसे टिक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप काउंट करके और लिख लेना पहले, और उसके बाद कंपेयर करना और फिर टिक और क्रॉस लगाना, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कितने रिबन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 रिबन्स हैं। इस हाथ में कितने रिबन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 रिबन्स हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, और टिक और क्रॉस लगाइए। कम वाले पे हमें टिक लगाना है और ज़्यादा वाले पे क्रॉस लगाना है। अब यहाँ पे एप्पल्स भी काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस वाली बकेट में 7 एप्पल्स हैं और इस बकेट में 4 एप्पल्स हैं। कंपेयर करना और टिक क्रॉस करना, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 4 पेंसिल्स हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पेंसिल्स हैं। अब 4 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है, ये आप डिसाइड करके और टिक और क्रॉस करेंगे। टिक करना है कम ऑब्जेक्ट्स को, लेस को, छोटे नंबर को, और क्रॉस करना है ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को, मोर को, बड़े नंबर को। ओके, दिस इज होमवर्क फॉर यू, मार्क इट HW। ये होमवर्क आप कंप्लीट करना, पहले काउंट करना, लिखना कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखना छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है ना, ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, कम है, ज़्यादा है तो क्रॉस कर दीजिए, कम है तो टिक मार्क कर दीजिए, ठीक है। टिक और क्रॉस किसको कहते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है। क्रॉस मतलब गलत का निशान, टिक मतलब सही का निशान। ओके, डू इट एंड सेंड द पिक्स टू मी, मुझे इसके फ़ोटो क्लिक करके ज़रूर भेजना। थैंक यू।